अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज अपने समर्थकों के साथ मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना दिया तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पुरजोर मांग की। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य को उनके कक्ष में ही बंद कर दिया। धरने को संबोधित करते हुए कर्नाटक ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज मात्र रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। देखिए, मुख्य रूप से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। लगातार जितने भी मरीज सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, हम पर्वतीय लोग हैं, पहाड़ की विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, गांव लगातार खाली हो रहे हैं और यह एक मुख्य कारण है। स्वास्थ्य हमारा मुख्य कारण है। जो पलायन बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। और उसका सबसे बड़ी समस्या है कि हम इन अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज से लेके जिला चिकित्सालय से लेके महिला चिकित्सालय सब लोग रेफर करते जा रहे हैं। अगर ये रेफरल सेंटर बन के रह जाएंगे तो हमारा कोई भी लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। हाँ, इसके लिए अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसे एक ब्लड बैंक की जो मेन समस्या थी उसका जो है हमें जो है ब्लड बैंक खोलने का जो है लाइसेंस मिल गया है और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस महीने जो है हम लोग जो है अपना ब्लड बैंक यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। जो यहाँ ब्लड की वजह से फिर जो है किसी भी पेशेंट को जो है यहाँ से रेफर नहीं करना पड़ेगा और इस महीने के अंत तक हम जो है प्लेटलेट की भी सुविधा जो है यहाँ पर हो जाएगी।